वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि चर्चा कर रहे हैं आरोग्य शक्ति के विषय पर और साथ ही साथ टेलीफोन पर दे रहे हैं आपके सवालों का जवाब. तो फिर इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाइए और हमें कॉल कीजिए ऑन 01294088152. डॉक्टर साहब वेलकम बैक. थैंक यू जी. और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि आरोग्य शक्ति क्या होती है. जी. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आरोग्य शक्ति को रिवाइव किए बिना क्या डॉक्टर किसी को रोग मुक्त कर सकते हैं? देखिए, जो डॉक्टर जो काम करते हैं वो एक तरह से देखा जाए तो वो एक आरोग्य शक्ति को रिवाइव करने के लिए ही कुछ प्रयास कर रहे होते हैं. हालांकि डॉक्टर्स को मालूम नहीं होता इसके बारे में. खासकर अगर हम मॉडर्न मेडिसिन में देखें तो उसमें तो मुख्य रूप से जो है सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए हम इलाज कर रहे होते हैं. अगर आपको सिर में दर्द है तो पेन किलर दे दिया जाएगा. अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल या कुछ इस तरह की औषधियाँ दी जाती हैं. लेकिन हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा की, हम कर रहे हैं आरोग्य शक्ति की बात, जो कि आयुर्वेद का एक विषय है. तो आयुर्वेद में जो डॉक्टर होता है, जो आयुर्वेदिक फिजिशियन हमारे जो होते हैं, वो भी एक प्रकार से जो है गाइडिंग पर्सन होता है आपका. वो गाइड कर रहा है आपको कि किस तरह से आप अपनी उस शक्ति को बाहर निकालें. हालांकि लगता ऐसा है कि वो आपको ठीक कर रहा है, लगता ऐसा है कि आपकी चिकित्सा डॉक्टर कर रहा है, पर वास्तव में जो भी कुछ हम जो आयुर्वेदिक डॉक्टर कार्य करते हैं, आपको जो औषधि भी देते हैं, औषध के साथ साथ आपको एक लाइफस्टाइल का हम पूरा बताते हैं कि किस तरह से आपको रहन सहन अपना रखना है, डाइट आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको अपनी डाइट रखनी है, क्लीनिंग के बारे में बताते हैं. हमारे यहाँ तो हमने एक प्रोग्राम ही बना दिया, जीवानंद प्रोग्राम, वो हम सभी मरीजों को बताते हैं कि जीवानंद सबको करना चाहिए. तो इस प्रकार से जो हम कार्य कर रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि जैसे हम कुछ आपके लिए कर रहे हैं, पर वास्तव में हम आपको केवल एक मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, एक दर्शन, एक आपको एक दिशा दिखा रहे हैं कि इस दिशा पर चलेंगे, अगर इस मार्ग पर आप चलेंगे तो क्या होगा, आपकी जो हीलिंग पावर है जो आपके अंदर छिपी हुई है वो जो है एक तरह से जागृत हो जाएगी, एक तरह से वो रिवाइव होगी, और वो रिवाइव होने के पश्चात आपको को जो है वो ठीक करेगी. जी, इसी के साथ जी. हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ. आपका शुभ नाम? हाँ, मैं डॉक्टर अवधेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ गोरखपुर से. हाँ जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी. एक्चुअली जो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम ये जानकारी चाहते थे, ये इंकलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की मुझे प्रॉब्लम है. अच्छा जी. हाँ, और उसमें जो है एक्चुअली शुरू में थोड़ी सी आर्थराइटिस डेवलप हुई थी जी. और फुटबॉल खेल रहे थे तो नी में चोट आ गई थी. उसके बाद हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन लिया कानपुर में, और फिर जो है डॉक्टर ने बताया आर्थराइटिस से, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह चला, कोई रिलीफ नहीं मिला. देन 2000 में जो फाइंड आउट हुआ कि इंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो एलोपैथी में तो सर कोई दवा है नहीं. तो अभी कितना वर्ष हो गया अभी इसको? ये 2000 में डिटेक्ट हो गया था, बहुत माइल्ड था उस समय. अब जो भी बड़ा हो, मैंने इसके बाद तो फिर दिखाया नहीं डॉक्टर को. देखिए, आपको जिस तरह से आप देख रहे हैं तो आपके रोग का 10-12 साल पुराना रोग हो चुका है. हमें संकेत ये मिलता है कि कहीं ना कहीं हम जो है किसी जो रूट है उसको मिस कर रहे हैं. हम ऊपर ही ऊपर तीर चला रहे हैं और हम जो अपना जो मेन एम है उसको मिस कर रहे हैं. तो इसलिए जो है हम आयुर्वेद में इस रोग के बारे में जो आपने बताया, एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस या अर्थराइटिस, पहले जो भी डायग्नोस हुआ आपका, तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसको जब हम समझते हैं तो हमारी भाषा कुछ अलग होती है. हम इसको आम बात बोलते हैं, और आम जो है जिसको कि हम टॉक्सिन कहते हैं, एक प्रकार का विषैला पदार्थ जो कि भोजन के न पचने से पेट के अंदर बनता है, और वो आम जब आपकी रीढ़ की हड्डी में जाके जमा हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी के आजू बाजू जो मसल्स होती हैं उनमें जब वो जम जाता है तो वो रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल टाइट ऐसी हो जाती है कि वो ना इधर मुड़ेगी ना उधर मुड़ेगी, और उसको डॉक्टर्स कहते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है. लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज है, और इलाज बहुत अच्छा है. उसके लिए जो मुख्य रूप से आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसमें हम आपको एक निवेदन ये करेंगे कि क्योंकि ये बहुत पुराना और क्रॉनिक रोग हो चुका है, तो हमें सबसे पहले आपकी जो स्पाइन है उसको थोड़ा लुब्रिकेट करना पड़ेगा. आयुर्वेद में हम उसको स्नेहन बोलते हैं. स्नेहन करने से क्या है कि जो टॉक्सिन्स वहाँ इतने सालों से जमा हैं उनको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, फिर वहाँ से उनको मूव करके आपके पेट में लाया जाएगा, आपकी आंतों में लाया जाएगा, और वहाँ से उसको बाहर निकाला जाएगा. इस प्रक्रिया को हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं पंचकर्म चिकित्सा. तो ये पंचकर्म के लिए आपको आना पड़ेगा. वैसे एक आइडियल जो टाइम इसका लगेगा उसमें,
कम से कम एक महीना अगर आप रहेंगे हमारे सेंटर में, आप आ सकते हैं फरीदाबाद में, उसमें हम पूरा आपका गाइडेड एक ट्रीटमेंट करेंगे, हमारे डॉक्टर्स आपके पूरा ओवरलुक करेंगे, डेली चेकअप आपका रहेगा, और इसमें एक महीना अगर आप निकालें तो बहुत फ़ायदा होगा, नहीं तो कम से कम 15 दिन के लिए तो ज़रूर आपको इसमें चिकित्सा लेनी पड़ेगी। उसके पश्चात जो इंटरनल मेडिसिन खाने वाली जो दी जाएगी वो भी कम से कम आपको जो है 8-10 महीने 1 साल खानी पड़ेगी, क्योंकि इतना पुराना रोग हो चुका है कि ना केवल उसको हमें पहले नॉर्मल पोजीशन में लाना है, नॉर्मल पोजीशन में लाने के पश्चात आपकी जो आरोग्य शक्ति है, जो आपकी हीलिंग पावर है, उसको हमें दोबारा से जो है पोषण उसको पहुँचाना है, ताकि आपको बार बार ऐसी समस्याएँ भविष्य में ना आए। नहीं, हम एलोपैथी की बात नहीं जानते हैं और हम किसी पैथी को डाउन ट्रॉडन नहीं करना चाहते हैं, सब पैथीज अपनी जगह सही होती है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आयुर्वेद की राह। तो आपको डॉक्टर साहब ने बताया है इसका आयुर्वेद में क्या उपचार है, आप सोचिए, एंड इफ यू वांट टू टेक दिस ट्रीटमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट अस, हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो डॉक्टर साहब यही हो जाता है कि कंपैरिजन हो जाता है। नहीं, कंपैरिजन नहीं करना। देखिए, एलोपैथिक जो बता रहे हैं कि लाइलाज है, इनक्योरेबल है, वो सही कहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कोई हमारा किसी पैथी से कोई विरोध नहीं है। जी बिल्कुल, सब अपनी दृष्टि से देखते हैं। अब हम आरोग्य शक्ति की बात कर रहे हैं, हम आत्मा की बात कर रहे हैं, हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, हम मन की बात कर रहे हैं, तो एलोपैथी में उसकी बात नहीं होती। एलोपैथी में केवल शारीरिक रूप से उसको देखा जाता है, उसकी फ़ोटो निकालते हैं, उसका वो स्कैन करते हैं, MRI निकालते हैं, और वो देखते हैं कि भाई यहाँ पर ये एक तरह से जो है बियॉन्ड रिपेयर हो गया है, लाइलाज, इट कैनॉट बी रिपेयर्ड। जी, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभार कोई ऑपरेशन करते हैं, उसको काट पीट के ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि आयुर्वेद उस रोग को एक दूसरी दृष्टि से देखता है। जी, आयुर्वेद में जब हम रोग को देख रहे हैं तो केवल हम लक्षणों को नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसकी स्पाइन में ये जो परमानेंट एक चेंज आया, ये क्यों आया, क्या इसका अंडरलाइंग फैक्टर है। जी जी। दूसरा, हम कोशिश ये करते हैं कि किस प्रकार से इस व्यक्ति की जो हीलिंग पावर को हम रिवाइव कर दें, ताकि वो वहाँ तक पहुँच करके जो हम आत्मिक शक्ति एक तरह से बोलते हैं कि वो पावर, कि जब तक वो पावर हमारे शरीर में रहती है आदमी जीवित रहता है। जी बिल्कुल। और जीवित रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, जब आत्मा नहीं रहेगी तो हीलिंग पावर भी नहीं रहेगी, आरोग्य शक्ति भी नहीं रहेगी। तो हम ऐसा मानते हैं कि जब तक प्राण है तब तक हीलिंग हो सकती है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है, ये हमारी आयुर्वेद की फिलॉसफी है। और ये केवल फिलॉसफी नहीं है, इसको प्रैक्टिकल रूप हम देते हैं, और प्रैक्टिकल रूप दे करके हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स आए हैं कि जिसके बल पर आज हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। जी जी। और दर्शकों से हम जो है उनसे निवेदन भी करते हैं कि आप आयुर्वेद की शरण में आइए, और अपने जो जितने भी आपके इतने क्रॉनिक और डिफिकल्ट डिजीजेज हैं उनसे आपको जो है छुटकारा मिलेगा, आयुर्वेद में डेफिनेटली मिलेगा। जी, वही मैं आपसे पूछने जा रही थी कि आरोग्य शक्ति को रिवाइव करने के उपाय क्या हैं। देखिए, उपाय तो इसमें जैसा कि हमने समझाया कि आरोग्य शक्ति ब्लॉक कैसे होती है, हमने बताया कि बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, माइंड में टॉक्सिन्स हैं, इंद्रियां दूषित हैं, तो रिवाइव करने का तरीका भी इसके बिल्कुल उसी के विपरीत में, मतलब उनकी शुद्धि करना। आम जो बनता है हमारे शरीर में, सबसे पहला जो मेन इसका कारण है आम, तो आम जो बनता है वो पेट के अंदर बनता है। जी। पेट के अंदर बनने के पश्चात वो पूरे शरीर में जो है वो जा कर के जगह जगह जम जाता है, जहाँ पर भी उसको वीक प्लेस मिलता है, तो पूरी बॉडी को हमें डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। इसमें जब हमको आरोग्य शक्ति रिवाइव करनी है तो एक तरह से डिटॉक्सिफाई करना है। मेन चीज़ जो मैं दर्शकों को बार बार कहना चाहता हूँ कि जो भी अपने मुंह में आप डालते हैं उसको कृपा करके सुबह एक बार देख लिया करो कि क्या हम डाल रहे हैं अंदर इसमें, क्योंकि जो हम डालते हैं अंदर वही हमारी आरोग्य शक्ति को नष्ट करने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए मुख्य कारण होता है। सुबह उठते हैं, सबसे पहले उठते ही चाय, कॉफ़ी, कोई इसमें कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें कोई विटामिन है, ना कोई मिनरल है, ना प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है। और भारतवर्ष में चाय एक स्टेटस बन गया है, कॉफ़ी एक वो बन गया आजकल कि कई बार कहते हैं यार हम उसके घर गए थे हमें चाय भी नहीं पूछी उसने, मतलब चाय को तो अमृत माना जाता है आजकल। तो ये हम डालते हैं, फिर कुछ लोग गुटखा खाते हैं, कोई तम्बाकू खाते हैं, कुछ लोग जंक फूड खाते हैं, तो सुबह से शाम तक हम केवल अपने अंदर पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जो हमारी आरोग्य शक्ति को बिल्कुल जो है ब्लॉक कर देती है, हमारी हीलिंग पावर जो अंदर भगवान ने एक प्राकृतिक शक्ति ऐसी दी है, और वो सभी जीव जंतुओं में, केवल मनुष्यों में नहीं है। आप देखिए जो एनिमल्स हैं, जो हमारे पशु हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके क्या हॉस्पिटल खुले हुए हैं कहीं?
या उनके डॉक्टर्स बैठे हुए हैं क्या, उनके अंदर भी ये शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे अंदर ही है, और वो शक्ति उनके अंदर रिवाइव्ड रहती है क्योंकि वो हर लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे जो शेर है वो कभी घास नहीं खाएगा, डिजाइन ही नहीं है, और जो गाय है वो कभी मीट नहीं खाएगी क्योंकि उसका डिजाइन ही नहीं है, वो घास ही खाएगी, चाहे भूखी मर जाए लेकिन मीट नहीं खाएगी। लेकिन हम लोग जो है हर चीज़ खाते हैं, हर चीज़ अंदर डालते हैं जो हमारी आरोग्य शक्ति को ब्लॉक करके रखती है, और आरोग्य शक्ति जब ब्लॉक हो जाती है तो फिर हम जो है ऐसे अनेकों प्रकार के रोगों से पीड़ित होते हैं जी। तो इसको क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें ये देखना है, कुछ भी आप अपने मुंह में डालें वो देखना है कि हमें ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अच्छा, बहुत दिलचस्प है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का जी। तो दर्शकों, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 01294088152 अगर आप चाहते हैं किसी भी समस्या का आयुर्वेदिक निदान। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। डोंट गो एनीवेयर।